मन ही नहीं हो रहा। चिंटू को घबरा के जिंदो चला गया है। उसने कहा जब गर्मी कम हो जाए तो बुला लेना। इस समय बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है, देखो। आज की ब्रेकिंग न्यूज, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अर्थ अपनी जगह पर रुक गई है, उसने अपनी धुरी में घूमना बंद कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा फुर्सतगंज को है, क्योंकि फुर्सतगंज सूरज की डायरेक्ट गर्मी का एपिसेंटर है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुर्सतगंज और फिर पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, पर ऐसा सब कैसे हो सकता है? ये देखो बच्चों, ये अर्थ है जो अपनी धुरी पे घूमते हुए सन के चारों तरफ घूमती है और मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अर्थ ने घूमना बंद कर दिया है। अभी बता, ये कैसे है? ये देखो बच्चों, ये लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि अलग अलग लेयर्स अलग अलग चीजों की होती है। कहीं लिक्विड है, कहीं मेटल है, कहीं रॉक्स है। इस तरह ये अलग अलग लेयर्स हैं जो अर्थ के कोर तक जाती है। सबसे सेंटर में है रेड कलर का। वाव, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। बच्चों, ये है अर्थ की असली जान। ये घूमता है तो पूरी अर्थ घूमती है। पर प्रॉब्लम ये है, इसने घूमना बंद कर दिया है। इसकी वजह से सूरज की गर्मी डायरेक्ट फुर्सतगंज पे पड़ रही है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुर्सतगंज और फिर पूरी धरती जाके भस्म हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो। तुम्हें इस मोनोकार को लेकर अर्थ के कोर पार्ट में जाना होगा। पर दादाजी, इससे अर्थ कैसे घूमेगी? जब तुम अंदर जाओगे तो इस ट्रेन को तुम्हें 500,000 माइल्स पर आर की स्पीड पर चलाना होगा, जिससे इसमें से निकलने वाली लेजर रेज कोर को पुश करके घूमने के लिए एक्टिवेट कर देंगी। दादाजी, मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। वीर, मैंने मोनोकार के ऑपरेशन की जानकारी तुम्हारे ब्रेन चिप में ट्रांसफर कर दी है। अब तुम इसे ऑपरेट कर सकते हो। ओके।